हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटेड रेडियोग्राफी आज के वीडियो में हम कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के कंपोनेंट्स में इमेजिंग प्लेट और सीआर कैसेट के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तो आइए जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के बारे में कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटेड रेडियोग्राफी फ्रेंड्स इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में कंप्यूटेड रेडियोग्राफी का इंट्रोडक्शन हिस्ट्री और वर्किंग प्रिंसिपल की बात की थी जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस लिंक पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के फोर मेजर कंपोनेंट्स होते हैं फर्स्ट है इमेज एक्विसेसन सिस्टम इस सिस्टम में सीआर कैसे और इमेजिंग प्लेट आते हैं सेकंड है इमेजिंग प्लेट रीडर या स्कैनर थर्ड नंबर है इमेज डिस्प्ले सिस्टम इसमें कंप्यूटर आता है और फोर्थ नंबर कंपोनेंट्स है इमेज स्टोरेज सिस्टम तो आइए इनको वन बाय वन अपन डिटेल्स में जानते हैं इमेज एक्विसेशन सिस्टम का फर्स्ट नंबर कंपोनेंट्स है इमेजिंग प्लेट आल्सो कॉल्ड फोटो स्टिमुलेबल फॉस्पर प्लेट मतलब इसे फोटो स्टिमुलेबल फॉस्पर प्लेट भी कहा जाता है इट इज थिन सीट ऑफ प्लास्टिक मतलब यह एक प्लास्टिक की thin, मतलब पतली सीट होती है जो सीआर कैसेट के अंदर लगी होती है इमेजिंग प्लेट इज सिमिलर टू कन्वेंशनल स्क्रीन फिल्म कैसेट मतलब इमेजिंग प्लेट कन्वेंशनल स्क्रीन फिल्म कैसेट के सिमिलर होती है द इमेजिंग प्लेट आर यूजली वन एम एम थिक मतलब इमेजिंग प्लेट यूजुअली वन एम एम थिक मतलब मोटी होती है अब इमेजिंग प्लेट में कौन कौन सी लेयर्स होती है इसके बारे में जानते हैं यह है डायग्राम आप जो देख रहे हैं यह इमेजिंग है प्लेट का क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर है इसमें सिक्स लेयर होती है फर्स्ट है प्रोटेक्टिव लेयर सेकंड है फॉस्पर लेयर थर्ड नंबर है रिफ्लेक्टिव लेयर फोर्थ नंबर है कंडक्टिव लेयर

क्लियर प्लास्टिक एंड ट्रांसपेरेंट मतलब यह लेयर थिन मतलब पतली टफ मतलब कठोर क्लियर प्लास्टिक और ट्रांसपेरेंट होती है इट प्रोटेक्ट द लेयर मतलब यह लेर फॉस्पर लेयर phosphor layer को प्रोटेक्ट करती है सेकेंड नंबर लेयर है फॉस्पर लेयर इसे एक्टिव लेयर भी कहा जाता है थिकनेस इज अबाउट जीरो पॉइंट थ्री एम एम जो फॉस्पर लेयर होती है उसकी थिकनेस लगभग 0.3 पॉइंट mm थ्री होती है इट इज मेड अप ऑफ यूरोपियम एक्टिवेटेड बेरियम फ्लोरोहेलाइड क्रिस्टल मतलब फॉस्पर लेयर यूरोपियम एक्टिवेटेड बेरियम फ्लोरोहेलाइड क्रिस्टल से बनी होती है इस लेयर में जनरली बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड एट्टी फाइव और बेरियम फ्लोरो आयोडाइड 15% परसेंट रेशियो टू यूरोपियम होता है दिस लेयर इज ट्रैप्स इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग एक्सपोजर मतलब यह लेयर एक्सपोजर के दौरान इलेक्ट्रॉन को ट्रैप्स मतलब इलेक्ट्रॉन को बांध के रखती है दिस लेयर हैज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टोरिंग रेडिएशन एनर्जी फॉर ए वाइल मतलब फॉस्पर लेयर में रेडिएशन एनर्जी को कुछ टाइम के लिए स्टोर करने की प्रॉपर्टी होती है मतलब यह लेयर रेडिएशन एनर्जी को कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रख सकती है थर्ड नंबर लेयर है रिफ्लेक्टिव लेयर। दिस लेयर रिफ्लेक्ट्स द लाइट टू द रीडर मतलब यह लेयर रीडर या स्कैनर की लाइट को रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित करती है दिस लेयर इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बींग इमिटेड फ्रॉम द क्रिस्टल बाई रिफ्लेक्टिंग इट बैक टूवर्ड द रीडर इंस्टेड ऑफ इट बींग एब्जॉर्ब मतलब रिफ्लेक्टिव लेयर क्रिस्टल से इमिट होने वाली लाइट की इंटेंसिटी मतलब तीव्रता को एब्जॉर्व करने के बजाय लाइट को रीडर की ओर वापस रिफ्लेक्ट करती है फोर नंबर लेयर है कंडक्टिव लेयर दिस इज ए लाइट एब्जॉर्बिंग लेयर मतलब यह लाइट को एब्जॉर्व करने वाली लेयर होती है नी इलेक्ट्रिकल चार्ज मतलब यह लेर लाइट के साथ साथ किसी भी इलेक्ट्रिकल चार्ज को भी एब्जोर्व करती है मतलब इस लेर के आस पास कोई भी चार्ज होता है तो उसे यह लेर एब्जोर्व कर लेती है फाइव नंबर है सपोर्ट लेयर इसे बेस लेयर भी कहा जाता है मेड फ्रोम ए पॉलिस्टर मेटेरियल मतलब यह लेर पोलियस्टर मटेरियल से बनी होती है दिस लेयर गिव्स स्ट्रक्चरल रेगिडिटी एंड ए बेस फॉर द कोटिंग ऑफ ऑल ऑफ द अदर लेयर मतलब यह लेयर की स्ट्रक्चरल रेगिडिटी मतलब कठोर और अन्य सभी लेयर को कोटिंग के लिए बेस प्रोवाइड करती है मतलब यह लेयर इमेजिंग प्लेट को स्ट्रेंथ मतलब ताकत प्रोवाइड करती है पॉलीएस्टर इज यूज बिकॉज ऑफ इट्स एक्सिलेंट स्टेबिलिटीज वेल एस इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड फ्लैक्सिबिलिटी मतलब इस लेयर में पॉलीएस्टर का यूज इसकी एक्सेलेंट स्टेबिलिटीज के साथ साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण किया जाता है सिक्स नंबर है बैकिंग लेर दिस इज ए प्रोटेक्टिव लेयर मेड फ्रॉम ए सॉफ्ट पोलिमर दैट प्रिवेंट्स स्क्रेचिंग वेन द प्लेट्स आर स्टैग्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग मतलब बेकिंग लेयर सॉफ्ट पॉलीमर से बनी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान प्लेट को एक जगह ढेर होने पर स्क्रैच मतलब खरोच होने से रोकती है मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में क्या होता है जब प्लेट बनती है तो एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट दूसरी के ऊपर तीसरी तीसरे के ऊपर चौथी प्लेट टकते हैं तो यह लेर इसमें होने वाली खरोच मतलब स्क्रेच को रोकती है प्रोटेक्ट बैक ऑफ द इमेजिंग प्लेट मतलब यह लेयर इमेजिंग प्लेट को बैक साइड से प्रोटेक्ट करती है इमेजिंग प्लेट इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस मतलब इमेजिंग प्लेट डिफरेंट साइज में अवेलेबल होती है जैसे 14 इंटू सेवनटीन इंच 14 इंटू फोर्टीन इंच 10 इंटू ट्वेल्व इंच 8 इंटू टेन इंच इमेज एक्विसेसन सिस्टम का सेकंड नंबर पार्ट है सीआर कैसेट इस डायग्राम में आप जो देख रहे हैं यह सीआर है कैसेट होती है कैसेट इज ए रेक्टेंगल एंड स्क्वायर मतलब कैसेट एक रेक्टेंगल मतलब आयत और स्क्वायर मतलब चौकोर सेप की होती है जो सी आर कैसेट होती है वह लाइटली वेटेड होती है मतलब यह है वजन में हल्की होती है मेड ऑफ प्लास्टिक मतलब यह प्लास्टिक से बनी होती है फ्रंट साइड मेड ऑफ लो एटेन्युएशन कार्बन फाइबर मतलब सीआर कैसेट का फ्रंट साइड लो एटेन्युएशन कार्बन फाइबर से बना होता है बैक साइड मेड ऑफ हाई एटॉमिक नंबर टू रिड्यूस बैक स्कैटर मतलब कैसेट का बैक साइड हाई एटॉमिक नंबर जैसे लेड से बना होता है जो बैक स्कैटर को रिड्यूस मतलब बैक स्केटर को कम करता है द मतलब कैसेट हॉल्ड्स एंड प्रोटेक्ट द इमेजिंग प्लेट एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम डस्ट मतलब सेयर कैसेट इमेजिंग प्लेट को होल्ड करके रखता है और इमेजिंग प्लेट को प्रोटेक्ट करता है और इमेजिंग प्लेट को डस्ट से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स आज का टॉपिक हमारा यही कंप्लीट होता है फ्रेंड्स आज के वीडियो में अपन ने इमेज एक्विसेशन सिस्टम कंप्लीट कर लिया है और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में इमेज प्लेट रीडर या स्कैनर इमेज डिस्प्ले सिस्टम और इमेज स्टोरेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे